धातु वीर्य या सीमेन निगलने वाले महिलाओं को यह 9 बातें जानना जरूरी है। कौन सी, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोग ओरल सेक्स करते हैं, मतलब लिंग को मुंह में लेना। लेडीज को भी अच्छा लगता है, जेंट्स को भी अच्छा लगता है और उसमें उनको मजा आती है, एंजॉय करते हैं। ओरल सेक्स करते करते वो जो वीर्य है वो मुंह में गिर जाता है अंदर, तो कुछ महिलाएं उसको निगल लेती है, कुछ थूक देती है। अभी निगलना या थूकना ये चॉइस आपका है कि क्या करना है, या वीर्य निकलने के पहले बाहर निकाल लेना और बाहर डालना, मगर उसके बारे में बातें जानना जरूरी है आपको। नंबर एक, वीर्य जो निकलता है धातु सेक्स के समय वो 1 से लेकर 5 ml तक निकलता है। थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा ग्रेइश ऐसा रंग उसका रहता है। मैं 9 बातें बताने वाला हूँ। नंबर एक, 1 से 5 ml निकलता है। नंबर दो, उसमें स्पर्म मतलब शुक्राणु और सेमिनल प्लाज्मा रहता है। सेमिनल प्लाज्मा मतलब उसमें प्रोस्टेट का सिक्रेशन रहता है, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 80% पानी रहता है। नंबर तीन, ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी नाम का एक प्रॉब्लम रहता है। रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या है कि जो सेमिनल प्लाज्मा जो है, जो धातु का एक पार्ट है, उससे सेंसिटिविटी कुछ लेडीज को रह सकती है। और वो निगलते हैं तो उससे उनको खांस छूटना, लाली आना, मतलब ऐसे एलर्जिक प्रॉब्लम्स उनको आ सकते हैं। तो यदि बहुत ही कम लेडीज को ऐसा होता है, मगर यदि आता है तो आपने नहीं निगलना चाहिए, सीधी बात है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया 1 से लेकर 5 ml तक, 1 to 5 ml आता है, ये येलोइश या व्हाइटिश या ग्रेइश ऐसा रहता है। नंबर दो, उसमें शुक्राणु रहते हैं और सेमिनल प्लाज्मा रहता है, 80% वाटर है। नंबर तीन, ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी यदि आपको है तो आपने नहीं निगलना चाहिए। नंबर चार, उसमें स्पर्म्स रहते हैं, धातु में स्पर्म्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, पानी रहता है, शुगर, साइट्रेट, सोडियम, जिंक, क्लोराइड, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यूरिया, इतने सारे अंश रहते हैं। तो यदि आप अच्छा ये सब खाने में या टॉनिक्स में यदि आप सब लेते हैं अंदर, तो वो सीमेन में जाएगा। और सीमेन में ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो शुक्राणु हैं उनका खाना पीना सब ये प्लाज्मा करते रहता है। उसको हेल्दी रखना, जीवित रखना, योनि में जाने तक और योनि में भी जीवित रखना, उसका काम ये करते हैं। तो पांचवी बात यह है कि भाई उसके काफ़ी सारे अंश जो है, तो वो बढ़ाने के लिए और अच्छे मात्रा में रखने के लिए आपको खाना, अच्छा खान पान रखना जरूरी है। पांचवा पॉइंट जो है, लोग पूछते हैं कि ये जो है वीर्य, इसमें कोई ताकत रहती है, कैलोरीज रहती है? तो हाँ, कैलोरीज बहुत ही कम रहती है, 5 से 7 कैलोरीज उसमें रहती है, मतलब उसे कोई वजन नहीं बढ़ता है पिया तो। अच्छा, उसका टेस्ट यदि आपको अच्छा करना है तो क्या कर सकते हैं? तो छठवा पॉइंट है कि यस, आपका जो वीर्य है उसका टेस्ट आप मीठा कर सकते हैं। और ये अलग अलग स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि समझो आप पाइनएप्पल लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, संतरा, मैंगो, ग्रेप्स, ज़्यादा मीठे फल जो है वो यदि खाते हैं आप, तो डेफिनेटली वो स्वीट उसकी टेस्ट आ सकती है। और यदि उसकी बिटर टेस्ट, मतलब सातवां पॉइंट जो बताना है मेरे को, कि उसके यदि कुछ लोगों को बिटर टेस्ट लगती है, बिटर मतलब इससे थोड़ी कड़वाहट, अच्छी नहीं टेस्ट, या मेटेलिक टेस्ट है, तो क्यों आती है? क्योंकि लहसुन, गार्लिक, अनियन मतलब प्याज, कैबेज मतलब गोभी, अदरक, कॉफ़ी, सिगार, अल्कोहल, ये आप लेते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसा कड़वाहट जैसे उसको लगी रहती है। अभी ये इंजेस्ट जब करते उससे फ़ायदा है क्या? तो 2002 में एक स्टडी कर दिया था, ये स्टडी अमेरिका में हुई, न्यूयॉर्क में 2002 में। उन्होंने 293 कॉलेज गोइंग लेडीज़ के ऊपर ये प्रयोग किया कि जो सीमेन धातु पीती थी, सेक्स करने के समय धातु पीती थी वो, तो उनका मूड जो है वो सिग्निफिकेंटली अच्छा हुआ। अभी अच्छा क्यों हुआ? कि उन्होंने ये स्टडी में बताया कि उसमें एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो मूड एलिवेटर्स है, जो हॉर्मोन्स, ये रहते हैं, इसलिए मूड उनका अच्छा होता है, ऐसा स्टडी में बाहर निकला है, दो इट इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग। तो इसमें ये भी रहता है मतलब धातु में, तो उससे औरतों का मूड भी अच्छा हो सकता है।
कुछ स्टडीज में ऐसा बताया गया कि उसमें मेलाटोनिन रहता है, और मेलाटोनिन लिया और वो जो है वो पी लिया औरत ने, तो मेलाटोनिन से नींद उनको अच्छी आती है। तो सेक्स होने के बाद में उसकी वजह से उनको जो नींद आती है औरतों को, वो उसकी वजह से आती है, अच्छी नींद हो सकती है, इसलिए पीना चाहिए। नौवां पॉइंट जो है वो है कि क्या ये पीना अच्छा है धातु, या अंदर लेना अच्छा है, निगलना अच्छा है। तो देखिए कि रिस्क जो है सिफिलिस की या गनोरिया की या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वो हो सकती है। तो आपने ये पहले पूछना चाहिए पार्टनर को कि भाई क्या आपको ऐसी तरह का मतलब ऐसी कोई बीमारी है, या आपने कोई टेस्ट की इतने में, और टेस्ट नहीं किए तो नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है। दो बहुत को ऐसा कोई कॉमन नहीं है मगर चांसेस है, और नहीं तो फिर कंडोम का वापर करो, और फिर आप करते तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये 9 पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है सीमेन निकलने के पहले या ओरल सेक्स करने के पहले। लोग पूछते हैं क्या ओरल सेक्स करना अच्छा है, चॉइस आपका है, ओरल सेक्स में मजा आती है तो ओरल सेक्स करो और एंजॉय करो सेक्स को। तो मैं फिर से 9 पॉइंट रिपीट करता हूँ। नंबर 1, 1 to 5 ml सीमेन बाहर आता है। नंबर 2, स्पर्म्स और सेमिनल प्लाज्मा जिसमें 80% पानी है वो उसमें रहता है, और उसमें कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जिससे शुक्राणु जो है वो सिक्रीशन से जीवित रहते हैं। नंबर 3, ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपरसेंसिटिविटी मतलब एलर्जिक रिएक्शन यदि है तो औरत ने वो निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे खुजली आ सकती है, आंख पे लाल चट्टे आ सकते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इसमें जो मतलब शुक्राणु को जीवित रखना है और उनको सशक्त रखना है तो उसके लिए उसमें जो कंटेंट है वो जानना आपको जरूरी है कि उसमें प्रोटीन्स, पानी मतलब वाटर, शुगर, साइट्रेट, सोडियम, झिंक, क्लोराइड, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यूरिया, ये सब उसमें अलग अलग मात्रा में रहते हैं सीमेन में, जिससे शुक्राणु को ताकत मिलती है। 5वां पॉइंट है 5 to 7 कैलोरीज उसकी वैल्यू है। 6वां है कि मीठा हो सकता है यदि आप ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल लेते हैं तो, कड़वा हो सकता है। 7वां पॉइंट, यदि आप गार्लिक, अनियन, कैबेज, अदरक, कॉफ़ी, सिगरेट ये लेते हैं तो। नंबर 8, मूड एलिवेटर्स उसमें रहते हैं जिससे मूड अच्छा हो सकता है औरतों का यदि वो निकलती है तो। और नंबर 9, रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए निगलना कि नहीं निगलना, ओरल सेक्स करना नहीं करना, चॉइस आपका है। फिर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।